आज के वीडियो में क्लास 12 बायोलॉजी में विकास या एवोल्यूशन चैप्टर के अंतर्गत जीवन की उत्पत्ति की आधुनिक परिकल्पना अर्थात मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ अथवा कहें तो ओपेरिन का सिद्धांत समझाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। रूस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक A.I. ओपेरिन ने जीवन की उत्पत्ति की जैव रासायनिक परिकल्पना प्रस्तुत की और इस परिकल्पना को जीवन की उत्पत्ति की आधुनिक परिकल्पना कहते हैं, यानी इसी को आधुनिक परिकल्पना भी कहा जाता है जीवन की उत्पत्ति की, या फिर इसे ही ओपेरिन सिद्धांत भी कहते हैं और इसे ही भौतिकवाद या प्रकृतिवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसे ही भौतिकवाद भी कहते हैं या फिर प्रकृतिवाद के नाम से भी जानते हैं। तो इन सभी नामों को याद रखेंगे, किसी भी नाम से परीक्षा में पूछा जा सकता है। सन 1936 में ओपेरिन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ लाइफ में इस परिकल्पना या कॉन्सेप्ट की व्याख्या की थी। किसकी? तो ओपेरिन सिद्धांत की या जीवन की उत्पत्ति की आधुनिक परिकल्पना की या रासायनिक परिकल्पना की। कब किया था? तो सन 1936 में इन्होंने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ लाइफ में। आपको बता दें कि इंग्लैंड के हेल्डन ने भी इसी तरह का कॉन्सेप्ट दिया था या परिकल्पना दी थी। इस परिकल्पना के अनुसार आज से करोड़ों वर्ष पहले हमारी आदिकालीन पृथ्वी पर भौतिक रासायनिक इन दोनों क्रियाओं से नए नए अकार्बनिक तथा कार्बनिक यौगिक बने, यानी भौतिक रासायनिक क्रियाओं से नए नए अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ बने या यौगिक बने। मतलब करोड़ों साल पहले हमारी पृथ्वी पर इस तरह की दशाएं थीं कि विशेष फिजियोकेमिकल प्रोसेस से नए नए कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ था। जब ये यौगिक विशेष रूप से संगठित और संघनित हुए तो जटिल यौगिकों का निर्माण हुआ। मतलब जब विशेष रूप से संगठित हो गए, संघनित हो गए तो जटिल यौगिकों का निर्माण हुआ और उन्हीं जटिल यौगिकों में जीवन के लक्षण विद्यमान थे और इसे ही ओपेरिन सिद्धांत कहा जाता है। पूरे ओपेरिन सिद्धांत को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला भाग है रासायनिक विकास यानी कीमोजेनी और दूसरा भाग है जैव विकास यानी बायोजेनी। अब जो रासायनिक विकास है यानी कीमोजेनी है, इसमें चार भाग किए गए। प्रथम चरण में सरल अणुओं का निर्माण, द्वितीय चरण में सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, तृतीय चरण में जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण और चौथे चरण में न्यूक्लियोप्रोटीन अणुओं का निर्माण। इसके बाद जो जैव विकास है या बायोजेनी है, ये पांचवें चरण से प्रारंभ हुआ। पांचवें चरण में प्रथम कोशिका का निर्माण, छठे चरण में स्वपोषण की उत्पत्ति, सातवें चरण में आधुनिक वायुमंडल का विकास और आठवें चरण में यूकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति, यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति। चलिए इन सब को एक एक करके डिटेल से आपको समझा देते हैं। तो पहला है रासायनिक विकास या कीमोजेनी। देखिए इसके अंतर्गत जो प्रथम चरण है, प्रथम चरण में क्या हुआ कि आद्य पृथ्वी के वायुमंडल में पराबैंगनी किरणें, सौर्य विकिरण तथा उच्च ताप ऊर्जा के स्रोत थे। मतलब करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी के वायुमंडल में पराबैंगनी किरणें, सौर्य किरणें तथा उच्च ताप ऊर्जा के प्रमुख स्रोत थे और इनके प्रभाव से, यानी इनका जो ताप हुआ उस ताप के प्रभाव से कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से मीथेन बना। कार्बन और हाइड्रोजन ने संयोग किया तो मीथेन बनी। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया का निर्माण हुआ। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संयोग से जल बना। इस तरह से मीथेन, अमोनिया और जल का निर्माण हुआ प्रथम चरण में। और जल बनने से पृथ्वी ठंडी होने लगी। भाई जल बन गया तो पृथ्वी धीरे धीरे करके ठंडी होने लगी और पृथ्वी के ठंडी होने पर मीथेन के बहुलीकरण से इथेन, प्रोपेन, एथिलीन, एसिटिलीन आदि संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण हुआ। इस तरह से
प्रथम चरण में सरल अणु बन गए या सरल अणुओं का निर्माण हो गया। फिर आते हैं द्वितीय चरण में, तो दूसरे चरण में यानी प्रथम चरण में जो हाइड्रोकार्बन बने थे उनका जल वाष्प के साथ संयोग करने पर एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बनिक अम्ल के सरल अणु बने। क्या मतलब हुआ कि जो प्रथम चरण था उसमें जो हाइड्रोकार्बन का निर्माण हुआ था उनका जल वाष्प के साथ संयोग हो गया, यानी उन्होंने जल वाष्प के साथ क्रिया कर दिया और क्रिया करने पर एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बनिक अम्ल आदि सरल अणुओं का निर्माण हो गया। बाद में इनके संघनन, बहुलीकरण और ऑक्सीकरण से क्या हुआ, यानी कि संघनन का मतलब है कंडेंसेशन, बहुलीकरण का मतलब है पॉलीमराइजेशन और ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीडेशन। तो इनकी वजह से क्या हुआ कि सरल शर्कराएं, ग्लिसराल, वसा अम्ल और अमीनो अम्लों का निर्माण हुआ, ये चीज़ें बन गई। फिर आते हैं तीसरे चरण में, तीसरे चरण में क्या था कि जटिल कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था। तो कैसे हुआ, रसायन संश्लेषण द्वारा बने जो कार्बनिक यौगिक थे चाहे वो शर्कराएं हों, चाहे ग्लिसराल हों, चाहे अमीनो अम्ल हों, वसा अम्ल हों, तो ये जो बन गए थे दूसरे चरण में आदि से बहुत से यौगिक समुद्र के जल में गर्म सूप की तरह उबलते रहे। क्या हुआ, ये सभी समुद्र के जल में गर्म सूप जैसे होता है बिल्कुल उसी तरह से उबलते रहे और इन यौगिकों ने इकाइयों के रूप में जुड़कर जटिल कार्बनिक यौगिकों के दीर्घ अणु या पॉलीमर का निर्माण किया। यानी ये सब यौगिक क्या किए, एक इकाई की तरह, एक मोनोमर की तरह आपस में जुड़ गए और जुड़ करके जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया या पॉलीसेक्राइड्स, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स आदि का निर्माण किया। और आपको यहीं पर बता दें कि एक वैज्ञानिक थे हेल्डन, हेल्डन ने आद्य सागर को गर्म पतला सूप या पूर्व जीवी सूप कहा था। जो हेल्डन थे इन्होंने आद्य सागर को गर्म पतला सूप या पूर्व जीवी सूप कहा था। तो इस तरह से सैकड़ों हजारों न्यूक्लियोटाइड्स के क्रम में जुड़ने से बनी पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से न्यूक्लिक अम्ल बना, यानी न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण तीसरे चरण में हो गया और इनके निर्माण के बाद में जीवोत्पत्ति को साकार रूप दिया गया। फिर चौथे चरण में आते हैं, तो चौथे चरण में न्यूक्लियो प्रोटीन्स का निर्माण हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन्स। तो प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों के संयोग से जटिल न्यूक्लियो प्रोटीन अणु बन गए। प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों ने आपस में संयोग कर लिया, अभिक्रिया कर लिया और अभिक्रिया करने पर जटिल न्यूक्लियो प्रोटीन अणुओं का निर्माण हो गया। कुछ न्यूक्लियो प्रोटीन्स के अणु समुद्र के गर्म सूप में उपस्थित विभिन्न कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से अपने समान न्यूक्लियो प्रोटीन बनाने लगे। अब उसमें से कुछ न्यूक्लियो प्रोटीन के जो अणु थे उन्होंने क्या किया कि जो समुद्र का गर्म सूप था उस गर्म सूप में जो विभिन्न कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ से उन्हीं के समान न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण करने लगे, बनाने लगे और न्यूक्लियो प्रोटीन में अपनी प्रतिलिपि बनाने की क्षमता ही जनन क्षमता का आरंभ था। यानी वो अपने जैसे रिप्लिकेशन करने, जब अपने जैसे बनाने लगे तो क्या हुआ, इसी क्षमता को ही जनन का आरंभ माना गया और इसे ही अनुलिपिकरण कहा गया। अनुलिपि के कारण क्या हुआ कि न्यूक्लियो प्रोटीन की संख्या में तेजी से वृद्धि होने लगी। जब अपने ही समान वैसे ही पदार्थ बनाने लगे तो जो न्यूक्लियो प्रोटीन थे उनकी संख्या में तेजी से वृद्धि होने लगी और इसमें प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई और भौतिक रासायनिक परिवर्तनों के कारण न्यूक्लियो प्रोटीन्स में उत्परिवर्तन होने लगे, म्यूटेशन होने लगे। यानी वो जो न्यूक्लियो प्रोटीन बन गया था उसमें उत्परिवर्तन शुरू हो गया, म्यूटेशन शुरू हो गया, जिससे नए संयोगों और नए लक्षण वाले न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण हो गया। जब उत्परिवर्तन शुरू हुआ, म्यूटेशन हो गया, तो नए नए लक्षण विकसित हो गए, नए नए न्यूक्लियो प्रोटीन बन गए। न्यूक्लियो प्रोटीन्स को नग्न जीन भी कहते हैं, नेक्ड जीन भी कहा जाता है और इनकी तुलना वायरस से की जा सकती है। जैसे वायरस थे जो किसी सजीव कोशिका में पहुंचकर सक्रिय हो जाते हैं, जो नेक्ड जीन हैं ये किसी भी सजीव कोशिका में पहुंचकर सक्रिय हो जाते हैं, इसीलिए न्यूक्लियो प्रोटीन्स के विकास से निर्जीव और सजीव के बीच की सीमा
निर्धारित हो गई। यानी जब न्यूक्लियो प्रोटीन बन गए तो निर्जीव और सजीव के बीच की सीमा निर्धारित हो गई, एक रेखा निर्धारित हो गई। आज भी वायरस को निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी माना जाता है। आपको यहीं पर बता दें कि हॉरोविज और लेस्ली ऑर्गल के अनुसार आद्य सागर में जीव नग्न जीन के रूप में थे। इन्होंने क्या बताया था कि जो आद्य सागर है उसमें जीव कैसे हैं, नग्न जीन के रूप में बने थे। चलिए जानते हैं बायोजेनी के बारे में। तो ये दूसरा स्टेप है बायोजेनी के अंतर्गत, पांचवा चरण आता है। इसके अंतर्गत कोलाइड्स का निर्माण कैसे हुआ, तो आद्य सागर के गर्म सूप में कार्बनिक पदार्थों के अणुओं के इकट्ठा होने से बड़े कोलाइडी कण बने होंगे। विशेषकर प्रोटीन के अणुओं पर विद्युत आवेश होने पर, यानी प्रोटीन के अणु पर विद्युत आवेश होने के कारण वे बने होंगे, और ये एक साथ इकट्ठे होकर आघुलनशील बूंदों के रूप में व्यवस्थित हो गए। इस प्रकार बने कोलाइडी तंत्र या बूंदों को सिडनी एफ हॉक्स, यानी इस प्रकार के जो कोलाइडी कण बने उन्हें क्या कहा जाता है, सिडनी एफ हॉक्स कहा जाता है या प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर्स कहा जाता है। चाहे सिडनी एफ हॉक्स कहें चाहे प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर्स कहें। अगर पांचवें चरण में कोइसर वेट्स की बात करें तो विरोधी विद्युतावेश कोलाइडी बूंदों के इकट्ठा होने से और अधिक बड़े कोलाइडी तंत्र बन गए। मतलब जब विरोधी विद्युतावेश वाले कोलाइडी कण बने तो उनके इकट्ठा होने से क्या हुआ कि और बड़े बड़े कोलाइडी कणों का निर्माण हो गया, उनका उत्पत्ति हो गई। ओपेरिन ने इन्हें कोइसर वेट्स कहा, जो कोलाइडी कण बड़े बड़े बन गए ओपेरिन ने उन्हें क्या कहा, कोइसर वेट्स कहा। और उन्होंने जिलेटिन गोंद आदि से कृत्रिम कोइसर वेट्स बनाए। फिर उन्होंने क्या किया कि जिलेटिन से गोंद से कृत्रिम कोइसर वेट्स का निर्माण भी किया था। आपको बता दें कि जो कुछ कोइसर वेट्स थे, कुछ कोइसर वेट्स में न्यूक्लियो प्रोटीन केंद्र में था, यानी उनके बीच में था, और उनके बाहर अन्य कार्बनिक पदार्थ पोषक तत्वों के रूप में इकट्ठा हो गए थे। बीच में न्यूक्लियो प्रोटीन था और उसके चारों ओर अन्य पोषक पदार्थ इकट्ठा हो गए थे। इनकी सतह पर लिपिड अणुओं के विन्यास से आद्य कोशिका कला बनी, और उनकी सतह पर जो लिपिड के अणु थे वो विन्यासित हो गए, सेट हो गए, जिससे आद्य कोशिका कला या प्रिमिटिव सेल मेम्ब्रेन का निर्माण हो गया था। और इससे ये जो कोइसर वेट्स थे, कोइसर वेट्स बाहरी जलीय माध्यम से अलग हो गए। इस प्रकार इन पूर्व जीवी रचनाओं में वैयक्तिकता का विकास हुआ, इंडिविजुअलिटी का विकास हुआ। और आपको यहीं पर बता दें, द्विविभाजन तथा कलिकोत्पादन द्वारा इनकी संख्या में गुणोत्तर वृद्धि होती गई। इनमें द्विविभाजन होता गया, कलिका उत्पादन होता गया, जिससे इनकी संख्या बढ़ती गई। इस प्रकार कि स्वतंत्र व स्वगुणित बूंद सदृश इकाइयां, जिनमें न्यूक्लियो प्रोटीन्स और अन्य कार्बनिक यौगिक वसीय कला या जलीय माध्यम में अलग थे, इन्हें आद्य कोशिकाएं कहा गया। यानी इस प्रकार की स्वगुणित और स्वतंत्र बूंद इकाइयां क्या कहलाईं, आद्य कोशिका कहलाईं। और ये जो आद्य कोशिकाएं थीं, इन जो कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई, इस संबंध में दो मत हैं। ओपेरिन मत के अनुसार जिन कोइसर वेट्स में न्यूक्लियो प्रोटीन थे उनमें न्यूक्लियो प्रोटीन्स बने, वही प्रारंभिक कोशिका रूपी जीवों में विकसित हुए, और इन न्यूक्लियो प्रोटीन्स के चारों ओर खाद्य पदार्थों के खोल बने। जबकि होरोविट्स और लेस्ली ऑर्गल के अनुसार आद्य सागर में प्रथम जीव नग्न जीव के रूप में थे, और इन जीन्स के जुड़ने से लंबी श्रृंखला वाले डीएनए और आरएनए अणु बने, और इन अणुओं के प्रोटीन के साथ संयोग से न्यूक्लियो प्रोटीन अणु बने, जो वायरस सदृश कण रहे होंगे। इन्होंने ये सारी चीजें बताई। आपको बता दें कि प्रथम आद्य कोशिकाओं का उद्भव 3 से 2.5 अरब, यानी कि 300 करोड़ से 250 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। अगर प्रथम आद्य कोशिका की उत्पत्ति को देखा जाए तो 300 करोड़ से 250 करोड़ वर्ष पहले माना जाता है, और ये सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं थीं। यानी टोटली जितनी भी थी सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं
थी। चलिए छठे चरण पर आते हैं, और छठे चरण में आद्य जीवों में पोषण विधियों का विकास हुआ। तो जो जो कार्बनिक यौगिक उपयोग में आते गए, समुद्र में इनकी कमी होती गई, और ये अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए आद्य कोशिकाओं में इनका विकास हो गया। तो इसमें पोषण विधियों के अंतर्गत अगर देखा जाए तो परजीविता थी, कुछ आद्य कोशिकाओं ने अन्य कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करके उनको अपना भोजन बना लिया, यानी भोजन ग्रहण करना शुरू कर दिया। ऐसे जीवों को परजीवी कहा, पैरासाइट कहा। अगर मृत जीविता को देखा जाए तो कुछ कोशिकाओं को मृत व क्षीण होती हुई कोशिकाओं से भोजन ग्रहण करने में अधिक सुविधा हुई। भोजन ग्रहण करने की इस विधि को मृत जीविता कहा। और प्राणी सदृश को देखा जाए तो कुछ अन्य कोशिकाओं ने दूसरी जीवित कोशिकाओं को पूरा निगलना शुरू किया। इसके लिए उनमें मुख सदृश रचनाएं विकसित हो गईं। जब पूरा निगलना शुरू किया तो मुख जैसी रचनाएं बन गईं। अगर रसायन संश्लेषी की बात की जाए तो कुछ आद्य जीवाणु कोशिकाओं में जल व सीओटो से कार्बनिक भोजन के निर्माण की क्षमता विकसित हो गई। इसके लिए उन्होंने अकार्बनिक अणुओं से यानी H2S से आवश्यक ऊर्जा प्राप्त की, और यही ऊर्जा CO2 व जल को संश्लेषित कर कार्बनिक भोजन के निर्माण में काम आई। अगर प्रकाश संश्लेषण को देखा जाए तो कुछ कोशिकाओं में सूर्य की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक यौगिकों के रूप में बंदी करने की विधि का विकास हुआ, जिससे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और चलिए चलते हैं सातवें चरण पर। सातवें चरण में क्या हुआ कि आधुनिक वायुमंडल का निर्माण हुआ था, ऑक्सीजन क्रांति आई थी। तो सातवें चरण में प्रकाश संश्लेषण के बनने के बाद या बनने के फलस्वरूप आद्य वायुमंडल में ऑक्सीजन मुक्त हुई, और ऑक्सीजन के मुक्त होने से क्या हुआ कि महत्वपूर्ण परिवर्तन आए, और इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के कारण प्रकाश संश्लेषण की घटना को ऑक्सीजन क्रांति भी कहा जाता है। ऑक्सीजन आने से सभी जीव अच्छी तरह से विकसित होने लगे। फिर आठवें चरण में आते हैं। आठवें चरण में सुकेंद्रीय यूकैरियोटिक कोशिकाओं और जगत प्रोटिस्टा का उत्पत्ति हुई, या जगत प्रोटिस्टा का निर्माण हुआ था। आपको बता दें कि प्रारंभिक पृथ्वी के निर्माण के साथ साथ आद्य कोशिकाओं या पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं में संरचनात्मक परिवर्तन होने लगे, और बाह्य आवरण कला झिल्ली नुमा स्पष्ट केंद्रक माइटोकांड्रिया क्लोरोप्लास्ट गाल्जी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम आदि कोशिका अंगकों का क्रमिक विकास होना शुरू हो गया। आप मान सकते हैं कि लगभग 1.5 अरब वर्ष पूर्व तक हुआ था, और आद्य सुकेंद्रीय कोशिकाओं का भी निर्माण हुआ। इनकी समानता अग्रत एक कोशिकीय पादप या जंतु से करने के पश्चात अर्नेस्ट हेकल ने इन्हें जीव जगत में प्रोटिस्टा नाम का रूप दिया, यानी प्रोटिस्टा नाम जगत के रूप में स्थापित किया। इस तरह से आठवें चरण में सुकेंद्रीय या यूकैरियोटिक कोशिकाओं का विकास हुआ, अथवा जगत प्रोटिस्टा का उद्भव हुआ। कुल मिलाकर के इस तरह से पृथ्वी पर जीवन का उद्भव हुआ, यानी ये जीवन के उद्भव की आधुनिक परिकल्पना मैंने आपको समझाई, यानी ओपेरियन सिद्धांत को समझाया। आशा है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।